नमस्कार किसान भाइयों, आपनी खेती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनपीके व डीएपी खाद के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनपीके में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं व डीएपी में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, किन फसलों में हमें एनपीके का अधिक प्रयोग करना चाहिए और किन फसलों में हम डीएपी का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोषक तत्वों पर। पोषक तत्व ये जो दोस्तों पौधे की ग्रोथ से लेकर पैदावार तक का पैदावार में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएपी खाद के बारे में। डीएपी खाद में दो प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन व फास्फोरस। डीएपी में नाइट्रोजन पाया जाता है 18%, जो कि पौधे की ग्रोथ का काम करता है। वहीं फास्फोरस है वो 46% पाया जाता है। दोस्तों, फास्फोरस का काम है पौधे की जड़ों को मजबूत करना। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एनपीके में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। एनपीके है जो अनुपात में आती है, जैसे 12:32:16:19:19:19। दोस्तों, अगर पोषक तत्वों की बात करें तो एनपीके में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है और साथ ही इसमें पोटास भी पाया जाता है। तो दोस्तों, नाइट्रोजन है जो पौधे की ग्रोथ करेगा या पौधे को बढ़वार करेगा, वहीं फास्फोरस है वो जड़ों को मजबूत करेगा। यहाँ पर पोटास है जो फसल के दाने में चमक पैदा करेगा। इसलिए दोस्तों, हमें दानेदार फसलों में एनपीके का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। वहीं अब सब्जी व फूल की जो फसल लेते हैं उसमें हमें जो कि डीएपी का उपयोग करना चाहिए। भारी भूमि में हम डीएपी का उपयोग कर सकते हैं और हल्की भूमि में हमें एनपीके का उपयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर दोनों ही खाद अच्छी है और हम दोनों ही खातों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।